ऑलराइट जी, हमने लास्ट टाइम ये किया था कि अरे डीस्ट्रक्चरिंग और रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर और उन दोनों को ऑब्जेक्ट के साथ सॉरी अरे के साथ इस्तेमाल करना सीखा। तो मैंने कहा था कि हमारे पास जब हम डेटा स्टोर करते हैं ना, तो डेटा स्टोर करने के दो वेज हैं। एक को हम कहते हैं स्टोर बाय वैल्यू और दूसरे को हम कहते हैं बाय रेफरेंस। यानी डेटा स्टोर होता है तो या तो डेटा स्टोर होता है बाय वैल्यू या डेटा स्टोर होता है बाय रेफरेंस। ये गुफ्तगू कल वाली की कंटिन्यूएशन है, लेकिन आज मैं नई टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ऐसा डेटा जो फिजिकली मेमोरी के किसी बॉक्स के अंदर जाके स्टोर होता है, स्टैक कहते हैं उसको। और मेमोरी का दूसरा एरिया कौन सा होता है? हीप। हीप में नॉर्मली जब जो वैल्यू बाय रेफरेंस स्टोर होती है, तो बाय रेफरेंस का मतलब यह कि उसका जो रेफरेंस या एड्रेस है वो स्टैक पे होता है, और जो एक्चुअल डेटा होता है वो जाके कहाँ स्टोर होता है? हीप के एड्रेस होता है। ठीक है, तो मैं आइंदा के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा ना, वो बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस इस्तेमाल करूंगा। तो बाय वैल्यू कौन कौन सी होती है? न्यूमेरिक एंड बुलियन और स्ट्रिंग, बाज लोग कहते हैं, लेकिन स्ट्रिंग का मैंने कहा था एक स्पेशल बिहेवियर है। और दूसरा काम जो है जो बाय रेफरेंस, वो कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट, अरे, फंक्शन और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को भी बाय रेफरेंस में कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग एक्चुअली अरे होती है। स्ट्रिंग जो है वो एक्चुअली क्या होती है? तो अरे आपको पता है क्या होती है, ठीक है, लेकिन चूंकि स्ट्रिंग का बड़ा कॉमन यूज है, तो स्ट्रिंग को बिल्ट इन कुछ ऐसे उन्होंने वो मैनिपुलेशन या ऑपरेशन दिए हुए हैं कि उसका बिहेवियर जो है वो मिला जुला रहता है। बहरहाल, बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस, क्लियर। मैं आज लिखता हूँ जी एक ऑब्जेक्ट और मैं इसे कहता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल एसटीडी, दैट्स वेरी कॉमन, दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं इसमें लिखता हूँ जी लाइक नेम, और नेम में एज, और एज में लिखता हूँ जी 25, एंड देन में लिखता हूँ जी क्वालिफिकेशन, और इसमें लिखता हूँ जी मिसाल के तौर पे कुछ भी, बिल फर्स MCSR MSc। अगर मैं इसको लॉग करूँ, तो अब जरा आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये कॉमन यूज केस है, एसटीडी करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? सारा का सारा स्टूडेंट एज इट इज, ठीक है। अब मैं करता हूँ जी लेट एस इक्वल्स टू STD, और या मैं इसको पहले लॉग नहीं करता। मैंने अब क्या किया, ये जो STD है इसको असाइन कर दिया किसको? S को। तो STD में क्या था? अच्छा, STD में ऑब्जेक्ट था, STD वेरिएबल है। मैंने ये तो पूछा ही नहीं किया, मैंने कहा STD में क्या था या क्या है? रेफरेंस है। क्यों भूल जाते हैं? अभी 2 मिनट पहले तो रिवाइज किया है। STD में क्या है? रेफरेंस है, स्टूडेंट का रेफरेंस है। तो स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ है? यानी इस केस में आप पढ़ेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये फिजिकली कहाँ स्टोर्ड है? हीप में। और इसका रेफरेंस कहाँ स्टोर है? स्टैक पे। तो जब मैं ये ऑब्जेक्ट असाइन कर रहा हूँ STD में, तो STD में क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का? तो इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या असाइन होगा? समझ आ गई बात? सिंपल कहानी है, कल वाली है, उसमें कोई नई चीज है नहीं। अब अगर मैं ये करता हूं, मैं करता हूं जो STD.contact, आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी डालने का ये तरीका है कि पहले कितनी प्रॉपर्टी थे, नेम, एज और कॉल। मैं STD के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा हूं, .contact ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही ना, तो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये क्रिएट हो जाती है इस तरह से। तो मैं यहां पे जाके कॉन्टेक्ट में लिखूंगा जी कोई भी नंबर, ठीक। अब अगर मैं जाऊं यहां पे और मैं दोनों चीजों को लॉग करूं, लॉग इसको मैं कहता हूं जी STD, ये क्या देगा? और अब आपको क्लियरली इस पोजीशन में होना चाहिए कि आप इसको मतलब गेस कर सकें, STD में क्या आएगा और S में क्या आएगा? सेम का मतलब node app.js। अब देख लें कि मैंने कॉन्टेक्ट की प्रॉपर्टी किस में ऐड की है? STD में ऐड की है, S को तो छेड़ा ही नहीं है। लेकिन यहां नीचे आके लॉग किया तो कॉन्टेक्ट की प्रॉपर्टी STD में भी ऐड हो चुकी है और कॉन्टेक्ट की प्रॉपर्टी S में भी ऐड हो चुकी है। व्हाट दिस प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम इनफैक्ट, व्हाट इज दिस फीचर? म्यूटेबिलिटी या म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेबिलिटी का मतलब यह है कि सिंस एस
and std, they are different variables, but they are having the reference of same location. They are referring to the, मतलब आपको सुपर टेक आना है, ठीक है, आप मुझसे कॉल करके एड्रेस पूछें तो मैं आपको बताऊंगा, रेफरेंसेस जितने मर्जी दूं वो सारे रेफरेंसेस इधर को पॉइंट करेंगे. मैं कहूंगा जी जीपीओ की तरफ आए, जीपीओ से 2 मिनट के वॉक पे. मैं खड़ा किधर हूं जीपीओ पे, पॉइंट किसको कर रहा हूं, सुपर टेक को. फिर मैं कहूंगा जी मेट्रो स्टेशन पे जाएं, बैंक रोड वाला सीधे मेट्रो स्टेशन पे आए, मेट्रो स्टेशन से बैंक रोड पकड़े, सुपर टेक को. दैट इज अ सेपरेट मेमोरी लोकेशन, that is a separate location, but both locations are pointing to the same address. समझ आ गई बात? तो इसी तरह S और STD both are pointing towards the same thing. कल डायग्राम में भी बताया था, ये प्रॉब्लम है, हाउ टू रिजॉल्व इट. तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी सबसे पहले कि इस ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करूंगा, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली असाइनिंग दिस ऑब्जेक्ट. कॉपी क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली क्या करूंगा, अब यहां स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेंगे, यहां क्या लगेंगी, कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि यही तो डिफरेंस है. स्क्वायर ब्रैकेट अरे के लिए इस्तेमाल होती है, कर्ली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है. एंड नाउ इफ आई विल बी डूइंग इट लाइक दिस, ये स्प्रेड है या रेस्ट है? स्प्रेड है. स्प्रेड क्यों है? क्योंकि मैं सारी चीजों को अनपैक कर रहा हूं. अगर मैं इसको यूं करूं तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली एसटीडी के अंदर सारी चीजों को, सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, अनपैक कर रहा है. और फिर अनपैक, बिल्कुल डिस्ट्रक्चर भी कह सकते हैं अनपैक को, ठीक है. और फिर मैं दोबारा इसको क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट में रैप कर रहा हूं. तो अब जो चीज एस में कॉपी होगी वो क्या होगा, रेफरेंस नहीं कॉपी होगा, बल्कि एसटीडी ऑब्जेक्ट की कॉपी असाइन होगी उसको, ठीक है. और अब मैं यहां पे जाऊंगा तो नाउ वी कैन सी कॉन्टेक्ट सिर्फ किस में ऐड हुआ, जिसमें मैंने ऐड किया था उसने दूसरे को म्यूटेट जाकर नहीं किया, ठीक. सिमिलरली अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां पे एसटीडी करूं, और ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, मैं इस एसटीडी में से कुछ चीजें डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूं, इसमें से कुछ निकालना चाहता हूं. अरे के केस में क्या था, रैंडम वेरिएबल नेम दे दें तो पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में पिक हो जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में आ जाएगी. यहां रैंडम नहीं दे सकते, यहां की नेम देंगे आप, यहां पे क्या करते हैं नेम. तो इसका मतलब क्या है कि ये नेम एसटीडी में पड़ा हुआ है ना, तो नॉर्मली हम कैसे एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, एसटीडी डॉट नेम डॉट ऑपरेटर के साथ. तो ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करके आपको डॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सिंपली क्या करें, लॉग करें और यहां पे क्या कर दें, नेम कर दें और यहां पे आए एंड यू गेट द एली. दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग. अब अगर आप इसी तरह यहां पे करें जी एज कॉमा क्वाल, तो यू कैन गिव इट द सेम. ठीक हो गई बात? तो कल वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए डेप्थ में नहीं जाऊंगा. आई होप कि आप बाकी सारे कॉन्सेप्ट जैसे वो थे एग्जैक्टली वैसे ही. ये वाली बात कर रहे हैं, हाँ, इसमें डजंट मैटर एट ऑल, इट वुड वर्क एंड इट शुड वर्क, बिकॉज इसमें वो किससे पहचान रहा है, प्रॉपर्टी के नेम से पहचान रहा है, तो वो जहां भी पड़ी होगी वो उसको उठा लेगा. समझ आई बात? क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि ये किसको मैच करेगा, एग्जैक्ट नेम को, तो वो जिस ऑर्डर में भी पड़ा होगा उसको उठा लेगा. हर एक केस में ऑर्डर इसलिए मैटर करता है कि वहां जाहिर है कोई की नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, वहां हमें कोई रैंडम वेरिएबल देना होता है. जो वेरिएबल पहले देंगे पहली वैल्यू आगे उसमें पिक होगी, दूसरी वैल्यू दूसरे में साइन होगी, तीसरी वैल्यू तीसरे में साइन. ठीक हो गया जी? तो डिस्ट्रक्चरिंग या स्प्रेड ऑपरेटर या रेस्ट ऑपरेटर जिस तरह अरे के साथ काम करते हैं उसी तरह ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं. अब अगर आप मुझे इजाजत दें और आप कंफ्यूज ना हो तो मैं फंक्शन को डिस्ट्रक्चर करके दिखाऊं कि फंक्शन कैसे डिस्ट्रक्चर होगा. कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, पक्का? ठीक. तो यही तीन रेफरेंस थे ना, बाय रेफरेंस, अरे ऑब्जेक्ट और फंक्शन. अब मैं यहां पे एक फंक्शन लिखता हूं और मैं इस फंक्शन को लिखता हूं जी फंक्शन, और इसको मैं लिखता हूं जी ये एनोनिमस, और इस फंक्शन को मैं असाइन करता हूं जी लेट टेस्ट. ठीक. मिसाल के तौर पे जहां से मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ना, वहां से मैं इस फंक्शन को पास करने को छोड़ू, मैं कहता हूं ये फंक्शन मुझे एक अरे रिटर्न करेगा,
क्या रिटर्न करेगा, एक अरे रिटर्न करेगा, और उस अरे में क्या पड़ा हुआ है, 25, 45, 47, 48। ये फंक्शन मुझे एक अरे रिटर्न कर रहा है 1, 2, 3, 4 वैल्यूज के साथ। अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहां पे क्या लिखूं, लॉग टेस्ट लिखूं, क्या आएगा मेरे पास, एक अरे का बताया है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक अरे रिटर्न कर रहा है, लेकिन उसमें वो पूरी अरे कंसोल लॉग जैसे हमारी नॉर्मल केस में होती है वैसे आई नहीं है। अगर मैं ये काम कर दूं, कोई भी वेरिएबल नेम दे दूं और यहां ये दे दूं, अच्छा बाय द वे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये मुझे इसको देना चाहिए कुछ ना कुछ, लेट मी डू दैट, सॉरी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब हम कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं या एनोनिमस फंक्शन यूज करते हैं तो इट शुड एक्चुअली गिव अस समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जैसे नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू इट लाइक दिस, गलती क्या कर रहे थे, ब्रैकेट्स नहीं डाली थी, पैरेंथेसिस फंक्शन कॉल करने के लिए नहीं डाली थी, ठीक है। एनीवेज यानी मेरी एक्सपेक्टेशन ठीक थी लेकिन सिंटैक्स गलत लिख रहा था। तो अब हो क्या रहा है कि मैंने कहा जी ये मेरा फंक्शन है, क्योंकि ये एनोनिमस है तो मैंने इसे वेरिएबल में सेव किया, और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक पूरी अरे। फंक्शन ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है, फंक्शन अरे भी रिटर्न कर सकता है, फंक्शन स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता है, फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, फंक्शन किसी एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी रिटर्न कर सकता है, और फंक्शन दूसरा फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है, ये तो आप सबको पता है, ठीक। लेकिन फंक्शन की रिटर्न की जाने वाली वैल्यू को डिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी EL1, और अब मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे टेस्ट 1 की जगह मे बी मैं लिख सकता हूं EL1। तो अच्छा ये एरर दे रहा था, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया वो वहां पर मैं ठीक कर रहा था, बट इसका भी एक तरीका है। नहीं, तुक्का नहीं लगाना ना, किस पैरेंथेसिस के अंदर लिखे, ये तो हम फंक्शन में पैरामीटर पास कर रहे होंगे ना, यहाँ से फंक्शन कॉल होता है वहां पे हम जो चीज भी पास करते हैं वो बेसिकली यहाँ जाके रिसीव करते हैं और फिर आगे करते हैं, ये नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग इन सेंटेक्स, बट विल डिस्कस इट लेटर। कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन कोई ऑब्जेक्ट या कोई अरे रिटर्न कर रहा हो तो हम उसको भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और ये हम करेंगे, बड़ा कॉमन यूज केस है। आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग दैट आई विल फिक्स लेटर, समझ आ गई बात। बट आपको ये बात याद रखनी है कि हम फंक्शन के रिजल्ट, यानी फंक्शन अगर अरे रिटर्न करेगा या फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको, अच्छा सिवाय आखिरी बात के। तो अब हमने डिस्ट्रक्चरिंग भी देख ली, रेस्ट ऑपरेटर भी देख लिया, स्प्रेड ऑपरेटर भी देख लिया, और कल हमने एक और ES6 का फीचर पढ़ा था, मैप। मैप एक बिल्ट इन फंक्शन है जो स्पेशली किस पे ट्रवर्स करता है, अरे पे ट्रवर्स करता है, और अरे पे ट्रवर्स करने के बाद हमें क्या रिटर्न करता है, एक रिटर्न नहीं करता, वो वैल्यू और इंडेक्स कॉल बैक फंक्शन में सप्लाई करता है। तो हमें रिटर्न क्या होता है, एक नई अरे। मिसाल देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये अरे है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक और, लेट नम्स इक्वल्स टू दिस, ये एक अरे है और मैंने कहा जी कि नम्स डॉट मैप, ये क्या लेगा, कॉल बैक फंक्शन,
और इस कॉल बैक फंक्शन में एक वैल्यू, और यहां पे मैं लॉग कर सकता हूं क्या वेल, सो सिंपल। अब मैं यहां लॉग नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करता हूं, जो भी वैल्यू निकाले अरे से उसको क्या कर दे, वापस रिटर्न कर दे। आपको पता है कि जब ES6 में किसी फंक्शन की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट हो तो हमें कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही है। आपको यह भी पता है कि जब एक ही स्टेटमेंट हो बॉडी में तो हमें रिटर्न के कीवर्ड की जरूरत भी नहीं होती, कोई इशू नहीं है। अभी हमने लगाए रखा था ना, लेकिन समटाइम हम जाहिर है एक स्मार्ट वे अवेलेबल है तो हम क्यों लेंथी प्रोसेस पे जाएंगे, समझ आ गई बात। अब इसका मतलब यह है कि व्हाट इज दिस डूइंग, मैप फंक्शन हर दफा एक वैल्यू उठाएगा और इस अंदर कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल कर देगा, ये उस वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं यहां पे लेट न्यू अरे इक्वल्स टू दिस, पहली दफा मैप का फंक्शन नम्स में जाएगा, 25 वैल्यू उठाएगा, उसको कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल कर देगा और ये उसे क्या करेगा, रिटर्न होगी, कहाँ आ जाएगा, दूसरी दफा जाएगा, दूसरी वैल्यू उठाएगा, दूसरी को वैल में अवेलेबल कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसका मतलब बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि मैप फंक्शन डज नॉट म्यूटेट द ओरिजिनल अरे, इट ऑलवेज क्रिएट्स द न्यू अरे। मिसाल, हाँ यस, ये अरे क्रिएट करेगा क्योंकि यहाँ मल्टीपल वैल्यूज आ रही है ना, हर आइट्रेशन के बाद एक नई वैल्यू रिटर्न करेगा, वो इसमें असाइन कर देगा, अगली आइट्रेशन में हमें नहीं पड़ेगी, खुद बहुत अरे बनाएगा। ठीक, इसकी मिसाल बेटा बिल्कुल ऐसे है, मैंने एक वेरिएबल ट्रीट किया लेट ए, बस डिक्लेयर किया, फ्यूचर में जाके ए में अरे असाइन कर दूं, तो ये ब्रैकेट मुझे खुद देने की जरूरत नहीं है, ये जब मल्टीपल वैल्यूज इसमें स्टोर हो रही होंगी तो खुद बहुत अरे बन जाएगी। इसका मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, यहां इस बात से नतीजा क्या निकाला, मैप फंक्शन ओरिजिनल अरे को म्यूटेट नहीं करता। सबूत देख लें, ये है नम्स और ये है न्यू अरे। तो आपको पता है कि जब हम किसी अरे में नया डाटा एंटर करते हैं तो पुराना क्या हो जाता है, अगर वो अरे म्यूटेबल हो तो पुराना डाटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, जैसे हमने एसटीडी और एस की एग्जांपल देखी थी। अच्छा, डिफरेंस के लिए मैं ये करता हूँ कि वैल के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ टू या प्लस कर देता हूँ टू, तो ये क्या करेगा, हर एलिमेंट में दो ऐड कर देगा, तो ओरिजिनल अरे भी सेम रहेगी। कैन यू सी दिस, ओरिजिनल अरे क्या थी, 25, 45, 47, 48, और मैप से पास होकर जो अरे आई है उसने ओरिजिनल को चेंज नहीं किया, इट हैज क्रिएटेड अ न्यू अरे, तो मैप डज नॉट म्यूटेट द, याद रखिए कि ये म्यूटेशन और इम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा, मैं इसलिए बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि क्या चीज किसी को म्यूटेट करेगी और क्या चीज किसी को म्यूटेट, तो मैप डज नॉट म्यूटेट द ओरिजिनल अरे। समझ आ गई बात, ओके। मैप के साथ दो और फंक्शन आते हैं, बड़े कॉमन है, फिल्टर और फाइंड, लेकिन उसको हम रिएक्ट में जाके पढ़ेंगे, पहले ही बड़ी देर हो गई है, तो आज प्रोबेबली वी शुड स्टार्ट दी रिएक्ट टुडे। Are you ready mentally? Okay, great. So, मैं इसको कर रहा हूं क्लोज। ES6 के हमने अभी बहुत सारे फीचर्स पढ़ने हैं, लेकिन वो हम साथ साथ जो जो कोई सिनेरियो आएगा हम उस सिनेरियो के साथ उसको कवर करेंगे। मैं इसको भी कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को क्लोज, ताकि हम फ्रेश रिकॉर्डिंग में रिएक्ट स्टार्ट